Hello aspirants, good morning, welcome to GKToday current affairs presentation. I am Yashwardhan and today is 12 July. इस वीडियो में हम फॉलोइंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक टेक्नोलॉजी चैलेंज इनिशिएट किया है ताकि सेप्टिक टैंक्स को क्लियर करने के लिए ह्यूमन एंट्री को स्टॉप करके उसकी जगह पर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की मदद से टैंक्स को क्लियर किया जा सके. उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की. नेक्स्ट इश्यू है जल बचाओ वीडियो बनाओ पुरस्कार पाओ कंटेस्ट है वाटर कंजर्वेशन के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद आसाम ने स्पेशल रीनो प्रोटेक्शन फोर्स है उससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस लिए हैं उनके बारे में बात करेंगे. आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्ना कैंटीन्स स्टार्ट की है जो कि सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक से रिलेटेड. इंडिया है वो वर्ल्ड की सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है और साथ साथ इंडिया EBRD यानी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उसका 69th ऑफिशियल शेयर होल्डर बन गया है. नेक्स्ट न्यूज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड टेलीकॉम कमीशन ने कुछ डिसीजंस लिए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रेड वॉर. मेजर इकोनॉमीज के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे. और इन एंड हम कुछ मिसलिनियस न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च्ड अ टेक्नोलॉजी चैलेंज टू एलिमिनेट ह्यूमन एंट्री इनटू सेप्टिक टैंक. प्रेजेंटली मैनुअल स्केवेंजिंग है वो एक मेजर इशू है अर्बन एरियाज में. सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो कि अर्बन एरिया से रिलेटेड जितने भी गवर्नेंस एस्पेक्ट होते हैं उनको हैंडल करती है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी चैलेंज इनिशिएट किया है. आइडिया क्या है कि ऐसे इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लेकर आना जिससे कि सीवरेज सिस्टम है उसको विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन यानी कि बिना इंसान की एंट्री के सेप्टिक टैंक्स और मेन होल्स को क्लियर किया जा सके. ये चैलेंज है, ये महात्मा गांधी इंटरनेशनल सैनिटेशन कन्वेंशन है जो कि 2 अक्टूबर को होगी उसका एक पार्ट होगा. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सभी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर हैं, कंपनी हैं, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, NGO हैं, सभी को इन्वाइट किया है ताकि वो एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकें. नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड. 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया और इस साल का थीम था फैमिली प्लानिंग इज ह्यूमन राइट. वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक UN का इनिशिएटिव है यानी कि यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है टू रेज अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है. 1989 में गवर्निंग काउंसिल ऑफ UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने रिकमेंड किया कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज़ है जल बचाओ वीडियो बनाओ पुरस्कार पाओ कंटेस्ट से रिलेटेड. मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, उन्होंने एक कंटेस्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है जल बचाओ वीडियो बनाओ पुरस्कार पाओ. जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक कंटेस्ट है. आइडिया है कि आप वाटर को कंजर्व करो, उसका एक वीडियो बनाओ, वीडियो को अपलोड करो और अगर ये एक अच्छा सजेशन हुआ वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड तो आपको कुछ मॉनेटरी पुरस्कार मिलेगा. आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं MyGOV.in पे, वहाँ पे एक पब्लिक लिंक असेसिबल है जहाँ पे कंटेस्टेंट वीडियो अपलोड कर सकते हैं. फर्स्ट प्राइज है वो 25,000 रुपये का होगा, सेकेंड प्राइज है वो 15,000 रुपये का होगा और थर्ड प्राइज है वो 10,000 रुपये का होगा. आइडिया है कि नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन और जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है वाटर कंजर्वेशन के उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना ताकि मोर एंड मोर वाटर को कंजर्व किया जा सके. नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेशल राइनो सोर्स प्रोटेक्शन फोर्स. आसाम सरकार ने स्पेशल रिनो प्रोटेक्शन फोर्स से रिलेटेड कुछ डिसीजन लिए हैं. सबसे पहले उन्होंने 90 कॉन्स्टेबल रिक्रूट किए हैं इस फोर्स के लिए. पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ क्राइम है वो एक मेजर इश्यू है, इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी फॉर्म किए ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड उनको इजीली पनिश किया जा सके. ये जो स्पेशल रिनो प्रोटेक्शन फोर्स है ये एक्सक्लूसिवली जो 3 नेशनल पार्क हैं आसाम में उनमें काम करेगी. मेजर नेशनल पार्क हैं कांजीरंगा, ओरांग एंड मानस. अब कांजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो कांजीरंगा नेशनल पार्क है वो 2/3 ऑफ वर्ल्ड 1 horned जो राइनोसोर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कांजीरंगा नेशनल पार्क में है. 1 horned राइनोसोर्स की बात करें तो ये IUCN जो एक रेड लिस्ट पब्लिश कर, तो IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से ये थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड. आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में अन्ना कैंटीन स्टार्ट की हैं जो कि 5 रुपये में, जी बिल्कुल 5 रुपये में आपको खाना प्रोवाइड करेंगी. 5 रुपये में ही लंच
₹5 में ही ब्रेकफास्ट और ₹5 में ही डिनर, यानी कि तीनों सेम रेट पे ₹5-5 में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्रोवाइड करने की फैसिलिटी है। इसी तरीके से तमिलनाडु सरकार की भी एक ऑलरेडी स्कीम चलती आ रही है जिसका नाम है अम्मा कैंटीन। यहाँ पे अन्ना, वहाँ पे अम्मा कैंटीन, दोनों ही स्टेट्स का आइडिया है कि सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करना विद बेटर क्वालिटी। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। टॉप 5 मेजर इकोनॉमीज हैं USA, चाइना, जापान, जर्मनी, UK। इंडिया 6th पोजीशन पे है। इंडिया ने फ्रांस को 7th पोजीशन पे धकेल दिया है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया लगभग 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। इंडिया ने पिछले एक डिकेड में लगभग अपनी GDP को डबल किया है। IMF के हिसाब से, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से, इस साल इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 7.4% है, जबकि नेक्स्ट ईयर 7.8% है। एक गौर करने वाली बात है, जो ग्लोबल एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो सिर्फ 3.9 है, यानी कि वर्ल्ड है वो लगभग 4% की स्पीड से ग्रो कर रहा है, जबकि इंडिया है वो लगभग 7-8% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है EBRD से रिलेटेड। EBRD यानी कि यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंडिया इसका 69th ऑफिशियल शेयर होल्डर बन गया है। EBRD एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ये 1991 में फॉर्म किया गया था बर्लिन वॉल के गिरने के बाद में। बर्लिन वॉल थी जिसने जर्मनी को दो भागों में डिवाइड करके रखा था। उसके फॉल के बाद में, यानी कि बर्लिन वॉल के फॉल के बाद में, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यूरोप में EBRD फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर UK में है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड। टेलीकॉम कमीशन है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसकी टॉप मोस्ट बॉडी है। उन्होंने नेट न्यूट्रलिटी रूल्स हैं उनको अप्रूव कर दिया। अब इन रूल्स के हिसाब से डाटा है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, यानी कि सब डाटा वो एक साथ इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है इंटरनेट पे सब डाटा इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी लिंक्स हैं, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप अमेजन भी उसी स्पीड से असेस कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट भी उसी स्पीड से असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगा तो हो सकता है अमेजन आपकी मोबाइल कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे और आपकी मोबाइल कंपनी आपको सिर्फ अमेजन का लिंक स्पीड से खोल के दे और बाकी वेबसाइट्स का लिंक बहुत स्लोली खोल के दे, तो थक हार के आप खुद अमेजन से शॉपिंग करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन टेलीकॉम कमीशन ने कहा है कि नेट न्यूट्रलिटी ज़रूरी है, यानी कि अब कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि ISP है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है किसी भी वेबसाइट के फेवर में या किसी भी वेबसाइट के अगेंस्ट में। ये जो रिकमेंडेशंस थी नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड, ये TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है की रिकमेंडेशंस के बेस पे टेलीकॉम कमीशन ने इनको एक्सेप्ट किया है। अब TRAI के बारे में जानते हैं। TRAI एक स्टेटूटरी बॉडी है, यानी कि बाई लॉ बनाई गई है। लॉ का नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एक रेगुलेटर है TRAI, और TRAI जो भी डिसीजन लेता है उनको चैलेंज किया जाता है TDSAT यानी कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपलेट ट्रिब्यूनल। 1997 में TRAI फॉर्म की गई थी। इसके चेयरमैन हैं मिस्टर RS शर्मा और इसके सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नेक्स्ट कुछ मिसलिनियस न्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहले GST कलेक्शन में हरियाणा ने टॉप किया है। अभी GST से रिलेटेड कुछ डाटा आया है, उसके हिसाब से हरियाणा पर कैप्टा रेवेन्यू कलेक्शन है, यानी कि टोटल कलेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, जो पर कैप्टा रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें हरियाणा ने टॉप किया है। हरियाणा लगभग जियोग्राफिकली 1.4% है टोटल कंट्री का, और जो साइज है, पॉपुलेशन साइज है, वो 21वें नंबर पे है, लेकिन पर कैप्टा के हिसाब से टॉप पोजीशन पे है। और हरियाणा ने 5th हाईएस्ट ग्रोस GST कलेक्शन किया है, यानी कि अगर किसी भी स्टेट का टोटल रेवेन्यू GST रेवेन्यू मेजर करें तो हरियाणा 5वें नंबर पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है, BSNL ने अपना इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस इनिशिएट किया है, जो कि आपको बिना सिम कार्ड के भी कॉल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। BSNL की मोबाइल ऐप विंग्स हैं, उसके थ्रू ये पॉसिबल होगा। आप किसी भी वाईफाई के थ्रू बिना किसी सिम कार्ड के किसी भी मोबाइल नंबर को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोरियाज KB फाइनेंशियल ग्रुप ने एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? फाइनेंसिंग कॉरिडोर सेट करने के लिए और डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। ये MOU इंडिया कोरिया बिजनेस फोरम में
साइन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है, LIC है, वो IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें 51% शेयर एक्वायर करेगी। IDBI है वो अभी डेट रिडन है, यानी कि कर्जा है उस पर, तो LIC उसके शेयर्स को परचेज कर रही है। ये जो अमाउंट होगा जो IDBI के शेयर परचेज करने पे आएगा वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, बल्कि इस अमाउंट को यूज़ करके बैंक को रिवाइव किया जाएगा, यानी कि उसके कर्जे को मैनेज करके बैंक को वापस रिवाइव किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कनॉट प्लेस वर्ल्ड्स 9th कॉस्टलीस्ट ऑफिस लोकेशन। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं CBRE, उनके हिसाब से दिल्ली का कनॉट प्लेस वो 9th पोजीशन पे है कॉस्टलीस्ट ऑफिस लोकेशन के मामले में। मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 26वें पोजीशन पे है। नेक्स्ट न्यूज है, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज गेट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर UAV एंड बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। जो DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज हैं उनको UAV यानी कि अनमैंड एरियल व्हीकल और बुलेट प्रूफ व्हीकल बनाने की परमिशन मिल गई है। ये लाइसेंस मिला है आर्म्स लाइसेंस अथॉरिटी से, आर्म्स लाइसेंस अथॉरिटी DIPP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर में आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। नेक्स्ट न्यूज़ है, US लिस्ट 200 बिलियन चाइनीज गुड्स टू बी हिट विद टैरिफ। US और चाइना में जो टैरिफ वॉर चल रहा है, अब उसमें US ने कहा है कि वो चाइनीज गुड्स हैं लगभग $200 बिलियन के, उन पे और भी टैरिफ लगाएगा। देखिए, सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर बात करें तो टैरिफ का मतलब होता है आप जो भी इंपोर्ट करते हो यानी कि आयात करते हो, सरकार उस पर कुछ ड्यूटी लगाती है। इस ड्यूटी की वजह से जो आपका प्रोडक्ट है, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है यानी कि जो आयात किया हुआ प्रोडक्ट है, वो महंगा हो जाता है, तो उसको खरीदने के चांस कम हो जाते हैं। US बोल रहा है कि चाइना और US के बीच में जो ट्रेड है उसमें ट्रेड डेफिसिट का मतलब है US है वो चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। तो US का मानना है कि अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो चाइना की तरफ से जो इंपोर्ट US में आ रहा है वो कम हो जाएगा और US चाइना के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम किया जा सकता है। चाइना ने कहा कि अगर US टैरिफ लगाएगा चाइनीज प्रोडक्ट पे तो चाइना भी US प्रोडक्ट पे वापस टैरिफ लगाएगा। ये पूरा इश्यू है सिंप्लीफाइड टर्म्स में। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स रिलेटेड। जो हॉकी टीम है उसको, एंटायर टीम को टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम में इन्वॉल्व कर लिया गया है। सबसे पहले ये पहली बार हुआ है कि एंटायर टीम है वो टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम में इन्वॉल्व की गई है, अदरवाइज इंडिविजुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये स्कीम। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा है कि वुमेन टीम को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि उनकी अपकमिंग वर्ल्ड कप में और एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस कैसी रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं TOPS यानी टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम क्या है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। इसका आइडिया है कि जो टॉप एथलीट्स हैं इंडिया के उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर इशू है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करना ताकि वो इंडिया के लिए मेडल विन कर सकें। स्कीम का आइडिया है कि उन लोगों को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना और एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो अपकमिंग 2020 और 2024 के ओलंपिक्स में मेडल जीत सकें इंडिया के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।